तो ये सारी चीजें देखो कैसे फैली रहती है, और मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है। देखो अभी हम अरेंज करने वाले हैं, तो फ्रेंड्स यहाँ मैं सारी चीज़ें अरेंज करने के लिए बैठ गई। और फिर मैंने सारी ट्रे में सारी चीज़ें अलग अलग रखी, जैसे कि एक ट्रे में मैंने पूरी परफ्यूम रखी, एक में मैंने सिर्फ मॉइस्चराइज़र, एक में सिर्फ ऑयल, एक में सिर्फ ब्रशेस, जो मेरे मेकअप के ब्रशेस वगैरह थे वो, और सारी चीज़ें जो भी चीज़ें थी मेडिसिन वगैरह वो सब मैंने एक बॉक्स में रखे। और मैंने ऊपर की भी रेंज थोड़ी सी अलग की, नीचे की भी अलग की, बस मेरी जो ज्वेलरी थी थोड़ी सी शादियों की और कुछ मम्मी के पास भी रखे हुए वहाँ पे भी, अरे आर्टिफिशियल वगैरह ज्वेलरी, वो सारी ज्वेलरी मैंने अरेंज करनी है। लेकिन उसके लिए मेरे पास अभी बॉक्स नहीं आए, उसकी इयररिंग के अलग मंगाऊंगी तो अच्छे से वो रखा रहेगा। और यहाँ पे फिर मैंने बहुत सारी चीज़ें अरेंज की जो इसकी मैंने वीडियोज़ नहीं बनाई है, वो मैं अच्छे से डिटेल में बनाऊँगी जब मैं प्रॉपर तरीके से उसे अरेंज कर दूँगी। यहाँ मैंने जल्दी जल्दी सारा काम किया क्योंकि बहुत सारी चीज़ें कहीं इधर रखी थी, कहीं वहीं इधर रखी थी, मतलब सारा मैश ही हुआ रहा था। तो मैंने सारी चीज़ें ठीक की, सारी लिपस्टिक वगैरह का मैंने पूरा एक बॉक्स बनाया, क्लेचर्स वगैरह का एक बॉक्स बनाया, फिर सारी सफाई वफाई की, तो बहुत अच्छा सा लग रहा था, क्लीन लग रहा था। यहाँ जब मैं सफाई कर रही थी तो मुझे हर जगह से कॉइन्स मिले जा रहे थे, कभी कहीं से कभी कहीं से, तो मैंने बहुत सारे इकट्ठे किए, आप लोगों को दिखाऊंगी कितने सारे हो गए। वो नीचे मेरी ज्वेलरी है उसके लिए भी एक बॉक्स लाऊंगी वहाँ की। ये देखो कितने अच्छे से अरेंज हो गया है, ऊपर मेरे कर्लर स्ट्रेटनर वगैरह है, अभी और भी फैली हुई है, देखती हूँ क्या क्या कर सकती हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा बहुत सारा काम हो गया है और अब मैंने कपड़े भी धो लिए हैं, आपको दिखाती हूँ। और अब मैं जा रही हूँ नहाने, क्योंकि मैं शाम को नहाती हूँ, पानी बहुत गर्म हो जाता है, तो इस वजह से जब पानी आता है तब मैं नहाती हूँ। नहा के अब जा रही हूँ कुछ फ्रूट्स लेने, फ्रूट्स लेके आऊँगी, फिर मैं जाऊँगी खाना बनाने के लिए, क्योंकि विशु के आने का टाइम हो जाएगा। उसने बोला है 8 बजे तक आऊँगा, लेकिन आज थोड़ा काम है और वो लेट भी गया था क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मुझे ना बहुत सारा एसिडिटी जैसा हो रहा था, तो इस वजह से वो थोड़ा लेट गया था। तो अब मैं जा रही हूँ, फटाफट करती हूँ, फिर आप सुबह से मिलती हूँ। यहाँ मैंने डोर बंद किया, उसके बाद घर के बाहर थोड़ा सा टाइल का काम चल रहा था लिफ्ट का, तो ये सारे लग गए हैं। बहुत ज़्यादा डस्ट हो रहा था, दरवाज़ा देखा होगा आपने कितना गंदा हो गया। फिर मेरा टेबल का फ्रेम आ गया था नीचे, अभी वो पेंट नहीं हुआ है। और वहाँ से मैं लीची लेके आई हूँ, और ये बहुत अच्छी है, मैंने टेस्ट किया है सारे, ये वीडियो में ऐसी आ रही है, वरना वैसे टेस्ट में बहुत अच्छी है। तो फ्रेंड्स विशु आज बहुत लेट आने वाला है, और अभी बज रहे हैं 8:10, तो अभी बस मोटर भरने वाला है, मैंने मोटर ऑन कर रखा है क्योंकि मैंने भी कपड़े धोए हैं। और मैं खा रही हूँ लीची, लीची खाने के बाद मैं खाना बनाना स्टार्ट करूँगी। सच में बहुत अच्छा है, 200 रुपये किलो लीची लिया है मैंने। वैसे मेरे ससुर जी का पेड़ है, लीची का, तो वो बहुत ही जल्दी मेरे लिए लीची भेजने वाले हैं, तो फिर हम बहुत सारा लीची खाएंगे। और जो वहाँ का लीची है बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे ये गांठे इतनी मोटी है लीची में से, लेकिन वहाँ की जो गांठे होती है वो बहुत पतली होती है। और लीची ना हमेशा इसको देख के खाना चाहिए, आप लोगों को तो पता ही होगा, लेकिन अभी सीजन का फ्रूट है तो कोई दिक्कत नहीं है।